अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि आप पायनियर का अकाउंट पाकिस्तान में रह के कैसे बना सकते हैं। चलें जी, हम चलते हैं ब्राउजर पे। ये मैंने ब्राउजर को ओपन कर लिया और हम जा रहे हैं जी पायनियर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आपने सर्च करना है जी गूगल में पे ऑन, ये पे ऑनियर खुल गया है। और यहाँ आपने ये जो दूसरे नंबर पे लिंक आ रहा है पे ऑन ईयर पे एंड गेट वर्ल्ड वाइड, इस पे क्लिक करने हैं। ये खुल रही है वेबसाइट। ये पे ऑन ईयर की मेन साइट खुल रही है। हमने इसका एक और भी देख लेंगे क्या क्या काम करती है। इससे आप यूएसए से पैसे मंगा सकते हैं, एडसन के पैसे मंगा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के पैसे मंगा सकते हैं। इसी तरह आप ऑनलाइन कोई भी बिजनेस करते हैं तो इससे आप फाइबर के भी पैसे मंगवा सकते हैं। हमने क्या करना है जी, रजिस्टर्ड पे क्लिक कर वैसे ही हमने रजिस्टर्ड पे क्लिक किया, हम नेक्स्ट पेज पे मूव हो गए। वो पूछता है कि लेट फाइंड द राइट अकाउंट फॉर यू, यानी कि आप अपनी जरूरत के मुताबिक यहाँ से एक अकाउंट सेलेक्ट करें। आप किस चीज के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल और ड्रॉप शिपिंग के लिए हैं, या फ्लिप मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, तो आप इसमें से एक अकाउंट खोलेंगे। ये इंडिविजुअल पे हम कर लेते हैं। आगे कह रहे हैं आई एम लुकिंग टू गेट पेड इंटरनेशनल। ठीक हो गया, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज पे मूव हो गए और यहाँ वो कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड। अब उसने हमारे पास ये जो चार स्टेप है, एक कॉन्टैक्ट डिटेल, सिक्योरिटी डिटेल और ऑलमोस्ट डन। यहाँ हमने क्या करना है जी, इंडिविजुअल पे क्लिक करने देना है और यहाँ हमने लिखना है जी फर्स्ट नेम। जो आपका आईडी कार्ड का नेम है वो ही लिखना है, क्योंकि बाद में ही आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन मांगते हैं। चले जी, ये हो गया नेम। आगे मैं अपनी मेल लिख, और वो करा जी दोबारा आपने ये वाली ईमेल लिखनी है। ये मैंने दोबारा लिख दी, आपने डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल लिखनी है जो आपके आईडी कार्ड पे है, क्योंकि ये वेरीफाई करता है। मेरी जी डेट ऑफ बर्थ है जी वो 1988 की, और अप्रैल ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने करना है जी नेक्स्ट बटन पे क्लिक। नेक्स्ट पे मूव हो गए। अब वो हमारा एड्रेस पूछेगा, जो हमारा एड्रेस है वो हमने लिखना। ये है जी मेरा जिप कोड गया जी 5150। मोबाइल नंबर लिख देना है, सिक्योरिटी कोड मेरे मोबाइल पे आ गया, तो मैं अभी सिक्योरिटी कोड इधर इंटर करने वाला हूँ। कोड इंटर करने के बाद मैं करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद वो कहेगा जी आप पासवर्ड बनाए।
पासवर्ड इंटर करना है जी, मैंने कोई भी कर देता हूँ। सिक्योरिटी पार्टी यूजर फादर व्हाट इज योर हाई स्कूल डिड यू अटेंड, क्या आपने कौन सा हाई स्कूल अटेंड किया। मैं कह रहा हूँ जी आने वाला पब्लिक स्कूल, ठीक हो गया। अब वो नेक्स्ट जो डाटा मांग रहा है डाटा, वो कह रहा जी आईडी कार्ड नंबर बताएं। वो कह रहा जी आप अपना नाम जो है वो अपनी लोकल लैंग्वेज, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारी लोकल लैंग्वेज उर्दू है, तो हम उर्दू में अपना नाम लिख लेंगे। क्या करेंगे कि गूगल ट्रांसलेट खोल लेते हैं और यहाँ मैं लिख लेता हूँ उर्दू, और यहाँ लिखते हैं ये मेरा नाम असद, तो इधर से आ जाएगा। इसको करेंगे कॉपी और यहाँ जाके पेस्ट। दूसरा लास्ट वाला नाम वो क्या हम बता रहे हैं कि जी सेकंड नेम बताएं, तो मेरा नाम है जी अली, तो ये इंग्लिश ये अली आ गया, तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ अब वो कह रहा है ये जो कोड है ये वाला इंटर HBUA4। इंटर करने के बाद कहना जी नेक्स्ट, अब वो कह रहा है कि आप अपना पैन यहां करें जी करेंसी आप अपना बैंक अकाउंट अटैच करें हमारे, मैं कर देता हूँ जी अपना बैंक अकाउंट, ये मेरा HBL में अकाउंट IBN मैंने इंटर कर दिया है, मैंने सिक्योरिटी की वजह से इसे हाइड किया हुआ है, तो आप अपना सही सही IBN अटैच करना क्योंकि बाद में वेरीफाई करके ही पेमेंट सेंड करता है। चलिए जी अब लास्ट स्टेप है सबमिट, जो सबमिट हो गया आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू में चली गई है, जैसे ही अप्रूव होगी वो आपको मेल कर देंगे, आप मेल में जाके देख लीजिएगा और जो अपना पासवर्ड है उसे लॉग इन कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो को पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं टेक पे वीडियो बनाता हूँ और ऐसी ही आपकी मुश्किलात को सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद होती है।